जिला अस्पताल के पास बन रहे विधि विज्ञान प्रयोगशाला का गुरुवार को जिलाधिकारी केवीएन पांडेय ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएमओ डॉक्टर एस के तिवारी, सीएमएस डॉक्टर एस के श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे, जिसके संबंध में जिलाधिकारी केवीएन पांडेय ने बताया कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला 3 महीने के भीतर शुरू हो जाएगी। इसके शुरू होने से आपराधिक मुकदमों के निस्तारण में सहूलियत मिलेगी और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। इसके अलावा जिलाधिकारी ने बताया कि जिला अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कुछ विभाग को यहां शिफ्ट किया जाएगा, जिससे जिला अस्पताल के ओपीडी में ज्यादा भीड़ न लग सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस के श्रीवास्तव और जिलाधिकारी के विजय पांड्यन ने बताया। हालांकि उसको सेग्रीगेट किया तो हमारे यहाँ पे इसको शुरू करा दी इसके सारे काम। वो तो फिर जब करना पड़े काम करने लगेगा तो कोई कोई एक आदमी को लगाना पड़ेगा। मैं उसे लगाना एक दो आदमी को लगाना पड़ेगा। यहाँ यहाँ पर जाओ आप सफाई करो। हमारे वार्ड बॉय वगैरह तो रहेंगे रहेंगे दिखाने के लिए, जो उनके वार्ड बॉय वो रहेंगे वो यहीं आकर के करेंगे। यहाँ पर क्योंकि सर्जिकल डिपार्टमेंट जो है शिफ्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके जो पेशेंट होते हैं वो वहीं पर प्लास्टर वगैरह लगना रहता है, इसलिए वो न करके हम लोग जो फिजिकल ब्रांच के जो हैं फिजिशियन हैं और हमारे स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, ये लोग पेशेंट यहाँ आएंगे जो इजिली आएंगे और यहाँ से उनको सेग्रीगेट करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें संक्रमण की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए उनको हम शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। कल से होगा जी? कल से होगा। अब देखें कल से संभवतः कल तक शाम तक शुरू हो जाएगा। ये देखिए विज्ञान प्रयोगशाला का तो फिर सी ब्लॉक वाले कंप्लीट हो गया है, अभी प्रारंभ भी हो जाएगा और ये भी तो अगले 2-3 महीने में फिनिश हो जाएगा। हम इसी मकसद से आए हैं, बेसिकली जिला अस्पताल में भीड़ ज़्यादा हो रहा है, कुछ फैसिलिटी ओपीडी के लिए यहाँ शिफ्ट करेंगे। कल से यहाँ कुछ ओपीडी चलेगी ताकि मरीज एक ही जगह रहने में कोरोना का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए कुछ भीड़ का यहाँ डाइवर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ का फैसिलिटी शुरू करने के लिए आए थे। 2-3 हॉल यहाँ चिन्हांकन कर दिए, कल से यहाँ ओपीडी कुछ ओपीडी शुरू होगा। ये 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा सर। कल तो ओपीडी शुरू हो जाएगा यहाँ। ये ओपीडी में तो मतलब स्किन का है और उसका हड्डी का है, वो दो तो तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। फिर वैसे ही तो वहाँ भीड़ ज़्यादा होता है, फिर और भी ओपीडी यहाँ शिफ्ट करेंगे। सर लेवल क्या रहेगा इसका जो बन रहा प्रयोगशाला? ये तो ए लेवल का अप्रूव हो गया है, यानी डीएनए टेस्ट तक यहाँ कर सकते हैं। पहले तो बी लेवल का था, फिर शासन ने उसको और अपग्रेड करा करके ए लेवल में करा दिया। इस पे जो पुलिस का संबंधित जो क्राइम का फॉरेंसिक जो एविडेंस आता है उसका, पहले जो कहीं बाहर भेजते थे, हैदराबाद भेजते थे, कहीं तो दिल्ली भेजते थे, आगरा भेजते थे, उसका ज़रूरत नहीं है। अभी जो जनपद के अंदर ही जाँच हो जाएगा और जो किसका न्याय मिलना है वो जल्दी मिल जाएगा।